हेलो साथियों, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मिश्र धातु। कुछ इम्पोर्टेंट मिश्र धातुएं हैं और उनका संगठन, ठीक है, संगठन यहाँ मिलेगा, यानी संरचना जिसे आप कहते हैं। तो एक साइड आपको देखने को मिलेगा कि महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं का नाम रहेगा और संगठन यानी संरचना वो किससे किससे मिलकर बना है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट देख लीजिए कि एल्युमिनियम कांसा जो है, यह कॉपर और एल्युमिनियम से बनाते हैं इसको, जिसे एल्युमिनियम ब्रांज कहते हैं। पीतल कॉपर जिंक से, ये सिंपल है, जानते हैं। कांसा जो है ये कॉपर और टिन, जिसे आप स्टैनम टिन कहते हैं। और देखें बेल मेटल जो है ये कॉपर टिन से ये भी बनाते हैं। क्वाइन एलॉयज, जिसे आप सिक्का मिश्र धातु कहते हैं। तो कॉपर जिंक और टिन, ठीक, ये कुजंसन याद रखे रहें, सिक्का धातु वो भी लाल रेड वाला, लेकिन सफ़ेद के लिए अगर पूछता है तब वहाँ पर याद रखे रहना है कि वह कॉपर सिल्वर जिंक निकिल, ठीक। और एक ड्यूरालुमिन होता है, ये देखें, इसे एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज इसे बनाते हैं। ड्यूरेलुमिन। और जर्मन सिल्वर में तो वही कुजननी याद रखे रहे, कु मतलब सी यू, जन जिंक नी निकिल, ठीक। ये गन मेटल कहते हैं। तो इसको देखिए यहाँ, इसको किससे बनाते हैं, तो गन मेटल जो होता है ये कॉपर टिन और जिंक से इसको बनाते हैं, ठीक। मैग्नीलियम जो है ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से। प्यूटर देखें, ये लेड और टिन से बनाते हैं। प्यूटर है ना, प्यूटर जो होता है ये लेड और टिन से इसको बनाते हैं। सोल्डर कई बार पूछा भी है ना, कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि किससे किससे बनाते हैं। तो ये याद रखना है कि सोल्डर जो होता है, सोल्डर को लेड और टिन से बनाते हैं, ठीक। एक टाइप मेटल होता है वो लेड स्टीबियम एंटीमनी से कहते हैं, और SN स्टैनम टिन है ये। तो लेड एंटीमनी टिन से टाइप मेटल। वुड मेटल एक होता है ये बिस्मथ लेड टिन और कैडमियम। और देखें ये आपका वायु मिश्र धातु, ये कॉपर एल्युमिनियम जिसे आप कहते हैं, ये कॉपर और एल्युमिनियम से आप ये रोल्ड गोल्ड भी कह देते हैं, ये भी जानते रहिए। एक है ये देवरदाज एलॉयज होता है, ये कॉपर एल्युमिनियम जिंक से इसे भी बनाते हैं। फेरो सिलिकन होता है, ये फेरो यानी आयरन और सिलिकन से, फेरो वैनेडियम में आयरन और वैनेडियम से। मोनल मेटल निकिल कॉपर प्लस उसी में आयरन मैग्नीज थोड़ी सी मात्रा में ये भी रहता है। और ये देखें निमोनिक सीरीज जो है कभी कभी पूछता है क्या है, तो निकिल क्रोमियम कोबाल्ट एल्युमिनियम टाइटेनियम, ठीक, ये याद रखना। और लास्ट में देखेंगे हेस्टेलॉयसी नाइक्रोम, ये निकिल और क्रोमियम से इसको बनाते हैं। तो ये इस तरीके से आपने जो आपका महत्वपूर्ण मिश्र धातु थी इसको आपने पढ़ा। और साथ में देखें, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक शेयर और ये एक दूसरे को इसे शेयर भी करें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।